सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। अब देखो इंटीग्रेशन जो 12th क्लास के लिए हमारे एक्सरसाइज प्रश्नमाला 9.1 जो चल रही थी, फर्स्ट क्वेश्चन के चार पार्ट कर लिए थे। अब जो आगे वाले वीडियो में जो सेकंड क्वेश्चन है, 5 cos x - 3 sin x + 2 cos² x dx, इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। i = 5 cos x dx - 3 sin x dx + 2 cos² x क्या होगा, sec² x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस का sin x 5 sin x - 3 sin x का समाकलन इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोस एक्स, माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कोस एक्स प्लस 2 tan x, x² x का समाकलन tan x प्लस में सी हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है? इस प्रकार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले मैंने लिखाए थे उसी के आधार पर समाकलन के एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। मेन चीज है अवकलन, जो 7th एक्सरसाइज करवाई थी मैंने क्लास में भी आपको, वो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट होनी चाहिए, ऑनलाइन वीडियो में भी करवाई है। अब उसके बाद में जो है x²-1/x³-1/x² dx, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सेकंड क्वेश्चन है x³-1/x² dx। अलग अलग इसका क्या करेंगे, हम भाग दे के समाकलन कर देंगे। कैसे, x³-x²dx - dx/x² कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, यहाँ x एक घात रहेगी पावर में, x dx - x की घात क्या होगी, -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे तो i = क्या होगा, x² कौन से फॉर्मूले से, x^(n dx) वाले कि x^(n dx) x^(n+1)/(n+1)+c, n है वो पावर में है, तो x^ कितनी है, 1 है, 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2/2 माइनस x^-2 प्लस 1 माइनस 2+1+c। तो -2+1 कितने रहे बच्चों, घात में -1 और नीचे अपॉन हर में भी क्या है, -1। i = x²/2 - x^-1 और -1+c, माइनस और माइनस प्लस x^-1 है वो अपॉन में आ जाएगी, बटे में क्या आ जाएगा, x। तो i = x²/2 + 1/x प्लस में क्या आ जाएगा, सी आई, क्लियर है? अब जो आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 3rd question sec²x / cosec²x, 4th question है sec²x / cosec²x dx। तो इनका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन समाकलन नहीं कर सकते, तो हम कैसे करेंगे इसको, sec²x / cosec²x को साइन और कोस में चेंज कर लेंगे, किस में कर लेंगे, साइन और कोस में। sec² विपरीत किसका होता है, कोस का होता है, और cosec² विपरीत किसका होता है, साइन का होता है। तो 1/cos² x और i = dx 1/cos² x / sin²x। अब इनका भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन समाकलन नहीं कर सकते,
तो इस वन के स्थान पर क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स करेंगे। इस वन के स्थान पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स। अब इसका अलग अलग क्या करेंगे, भाग डिवाइडेड करके समाकलन कर देंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर हूँ कोस स्क्वायर कैंसिल, डी एक्स अपॉन क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स, डी एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन कोस साइन स्क्वायर एक्स कोसेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स आई इक्वल टू टेन एक्स, कोसेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोट एक्स प्लस में सी आ जाएगा कॉन्स्टेंट। दोबारा देख लीजिए, सेक्स स्क्वायर एक्स डॉट कोसेक्स स्क्वायर एक्स है, इसको हम साइन और कोस में चेंज करेंगे, कैसे, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डॉट ए साइन स्क्वायर एक्स। फिर वन के स्थान पर, इस वन के स्थान पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स रखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, अलग अलग इसका डिवाइडेड करेंगे, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स कोसेक्स स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स, कोसेक्स स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस का कोट एक्स प्लस में सी आ जाए। वन प्लस एक्स रूट एक्स डी एक्स, फाइव नंबर क्वेश्चन है। वन प्लस एक्स रूट एक्स डी एक्स, अलग अलग इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके गुणा कर देंगे, रूट एक्स डी एक्स प्लस एक्स रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स है वो कितने की है, एक्स की पावर एक बटे दो, एक्स की घात कितनी है, एक बटे दो है, आई बराबर एक्स की घात एक बटा दो, एक्स रूट एक्स कितनी होगी, एक्स रूट एक्स, तो एक्स की घात एक प्लस एक बटा दो, एक्स की घात तीन बटे दो होगी, एक्स की घात तीन बटे दो डी एक्स। अब इसमें आप क्या करोगे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन से, तो i बराबर x की पावर वन एक बटा दो प्लस एक, एक बटा दो प्लस एक, एक्स की घात तीन बटा दो प्लस एक, तीन बटा दो प्लस एक प्लस में से, एक बटा दो प्लस एक कितनी होगी, तीन बटे दो, आई बराबर एक्स की घात तीन बटा दो, तीन बटा दो प्लस एक्स की घात तीन बटा दो प्लस एक कितनी होगी, एक्स की घात पाँच बटे दो, एक्स की घात पाँच बटे दो, पाँच बटे दो प्लस में से, ये क्या आ जाएगा दो बटा तीन, और ये क्या आ जाएगा दो बटे पाँच। तो दो बटा तीन एक्स की घात तीन बटा दो, दो बटे पाँच एक्स की घात पाँच बटे दो प्लस में सी आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ए की पावर एक्स डी ए, सिक्स नंबर क्वेश्चन है। ए की पावर एक्स डी ए, सिक्स नंबर
a की पावर x dA। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ dx है मतलब x के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करते हैं, x के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तब तो हमारे पास कौन सा सूत्र लगा है? मैंने बताया था आपको फॉर्मूला a की पावर x dx हो तो a की पावर x अपॉन log a प्लस में c होता है। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में a की पावर x डॉट डी ए। तो इसको हम कैसे करेंगे, a की पावर x x की पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे, इसमें करेंगे x की पावर n वाले फॉर्मूले से। अब यहाँ क्या है, a तो मतलब a तो चर राशि है, x है वो क्या है, अचर राशि है। a चर राशि, x अचर राशि। चर राशि क्यों है, क्योंकि हम a के सापेक्ष कर रहे हैं, डी ए आ गया, समझ में आई बात। तो ये एक फॉर्मूला x की पावर n dx वाला, तो x की पावर n प्लस वन अपोन n प्लस वन प्लस में c आ जाएगा। x की पावर n dx है तो x की पावर n प्लस वन अपोन n प्लस वन प्लस में c आ गया। तो इसके अंदर क्या आएगा, a की पावर x dA, a की पावर x प्लस वन अपोन x प्लस वन प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। अब जो सात नंबर क्वेश्चन है, x की स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सात x की स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्ट तो इसका समाकलन नहीं कर सकते, परंतु हर वाली संख्या कैंसिल करने के लिए एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। हर वाली संख्या कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। अब इसमें ध्यान दें, x की स्क्वायर प्लस वन और x की स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ये अलग कर दिया, माइनस डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। क्या आया समाकलन में, डी एक्स वन डी एक्स और माइनस डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी एक्स का समाकलन एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी आ गया, क्लियर है। अब जो कोस स्क्वायर एक्स बटे वन प्लस साइन एक्स आठ नंबर क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर एक्स बटे वन प्लस साइन एक्स कैसे करेंगे इसको, कोस स्क्वायर एक्स डायरेक्ट समाकलन नहीं है, इसका पीछे एग्जांपल भी मैंने करवाया बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स बटे वन प्लस साइन एक्स, तो इसको हम कोस स्क्वायर एक्स को चेंज कर देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, इसमें चेंज कर देंगे कि कोस स्क्वायर एक्स है वो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पाइथागोरस प्रमेय नहीं सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर एक से, तो इसको हम कोस स्क्वायर एक्स है उसको हम चेंज कर देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, यानी एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वन का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे में वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे तो वन माइनस साइन एक्स और वन प्लस साइन एक्स और वन प्लस साइन एक्स और डी एक्स, प्लस वाला कैंसिल, समझ में आ गई बात। अब अलग अलग इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो आई बराबर वन डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। वन डी एक्स का क्या होगा समाकलन, एक्स साइन एक्स का माइनस का कोस एक्स होता है तो प्लस का कोस एक्स और प्लस में सी, एक्स प्लस
कोस एक्स प्लस में सी आ जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार होगा 9th नंबर क्वेश्चन। देखिए नाइन्थ नंबर sec x डॉट sec x tan x, sec x डॉट sec x प्लस tan x dx। इसमें अब देखो sec x डॉट sec x प्लस tan x है, इसका मल्टीप्लाई करो sec x sec स्क्वायर x dx प्लस sec x डॉट tan x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x, और sec x का क्या होगा? sec x प्लस में c। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन करवाए हैं वो आप अपनी होमवर्क की कॉपी में नोट करेंगे, उसके आगे वाली जो बुक है करिए, अगर नहीं आता है तो मैं आगे वाले वीडियो में करवाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।